अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की हमारी जो टिप्स है वो ब्लैक हेड्स के बारे में है। आप जल्दी से सबसे पहले जो चीज़ें इसमें जाएगी वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच दूध, ये आप देख सकते हैं प्याली में ये दूध है, और आधे से आधा चम्मच हल्दी, और एक चम्मच ही मैंने हनी का लिया है। मैंने टी स्पून यूज़ किया है क्योंकि मेरे सिर्फ नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं, तो मैं वहीं पर अप्लाई करूँगी। अगर आपके अपर लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के नीचे भी समटाइम बन जाते हैं तो वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 1 टेबल स्पून की जगह 1 टेबल स्पून ले सकते हैं 1 टीस्पून की जगह। करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को करेंगे एक ही प्याली में शिफ्ट। तो यहाँ हनी की जो प्याली है उसमें मैं ये हल्दी को भी ऐड कर दूँगी और दूध को भी ऐड कर दूँगी। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हल्दी को मैंने शहद में ऐड कर दिया है। अब ये जा रहा है इसके अंदर दूध, और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। करना क्या है, आप ये लई सी बन जाएगी बहुत अच्छी सी। तो आपने अपने नोज़ पर जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स नज़र आते हैं, समटाइम एक एक ब्लैक हेड्स भी निकल आता है, अपर लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के नीचे वाली जगह पर भी निकल आता है, तो जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है वहाँ आप लगाइए। इसको साथ साथ हम मिक्स कर लेते हैं, तो वहाँ वहाँ आप लगाइए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें, काफ़ी अच्छा चिल सा हो जाएगा, तो ये लगने में बहुत मज़ेदार होता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मेरी जो हल्दी थी वो घर की, हम फ्रेश पिसवाते हैं, तो घर की पिसी हुई हल्दी थी। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने के बाद अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स हैं, चाहे तो आप अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सूख जाएगा, तो आप इसे नीचे से पकड़ के ऊपर तक खींच लीजिए, तो आपके तमाम तर ब्लैक हेड्स निकल आएंगे। आप चाहें तो ये एक दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक हफ्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ भी यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल, आसान सी रेमेडी और बहुत ही इफ़ेक्टिव। ज़रूर यूज़ करें और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।